Welcome back to my YouTube channel Jikook Life and how are you? I'm perfect fine. तो आनी मैं ले आई जीकुक की निवेश स्टोरी. ये एक स्टूडेंट एंड प्रोफेसर की लव स्टोरी है. इसमें स्टूडेंट बहुत ही नॉटी है और प्रोफेसर बहुत ही रूड है. और ये स्टोरी मैंने बहुत पहले ही सोच रखी थी. मैंने सोचा था कि मैं इसे बकरीद में निकालूंगी बकरीद की खुशी में. लेकिन आप लोगों में सबर नाम की कोई चीज ही नहीं है. मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगी लेकिन आपने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया. एंड ये बातें उनके लिए है जो मुझे कमेंट करके परेशान करते हैं कि आप यूनियन की स्टोरी ज्यादा निकालती हो, यूनियन लवर हो गई हो वगैरह वगैरह. और जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट देते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं मैं उन्हें नहीं बोल रही. एंड हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट करना. एंड हाँ, ये भी करना कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा लगा. और इस स्टोरी में आपको जीकुक की क्यूट फाइट बहुत देखने को मिलेगी क्योंकि ये एक प्रोफेसर और स्टूडेंट की कहानी है. इसलिए हाँ, मैं कमेंट को रीड करूंगी कि कितने कमेंट आए हैं. अगर ज्यादा कमेंट हो गए तो मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूंगी और अगर नहीं होंगे तो मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करूंगी. तो वो आप पर बिकॉज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आपको स्टोरी कैसी लगी. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करें. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. देखो ये गलत बात है. मैं यहाँ पहले आई हूँ और मैं न्यू स्टूडेंट भी हूँ तो मैं यहाँ बैठूंगी. मैं पीछे क्यों जाऊँ? वाओ न्यू स्टूडेंट हो और इतनी हिम्मत है कि मुझसे जबान लड़ा रही हूँ. ज्यादा बोलो मत, यहाँ से चली जाओ वरना उठा के बाहर फेंक दूंगी. मैं क्यों जाऊँ और यहाँ पर कौन बैठेगा जो तुम लोग इतना परेशान हो? यहाँ पर जमीन बैठी है, तुम्हें पता नहीं है शायद. तो अभी न्यू स्टूडेंट हो, जल्दी पता चल जाएगा. इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा. क्या कोई भी हो, मुझे डर नहीं लगता. मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ. मैं पहले आई हूँ तो मैं आगे बैठूंगी. तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा बोलने की? तुम्हारी तो क्या जन्नी जमीन आ गई है, अब वही से हैंडल करेगी. आखिर जमीन आ ही गई, अब देखो तुम्हारा क्या हाल करती है. चलो चलो जैनी, हमें उसके पास आना होगा वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएगी. यू आर राइट, चलो जल्दी चलते हैं. फिर उसके बाद जैनी और लिसा दोनों बाहर जाती है. तभी वहाँ पर जमीन की एंट्री होती है. कॉलेज जानता है कि तुम कितनी नॉटी हो तो प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करना. डोंट वरी सर, मैं उनकी रिस्पेक्ट
करूंगी, बिकॉज जैसा मैं आपके साथ करती हूँ वैसा उनके साथ करूंगी। नहीं जीवित, तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करती हूँ, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज वो जहाँ से आएंगे वो बहुत जाना माना कॉलेज है, तो वो यहाँ आएंगे तो प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करना क्योंकि वहाँ पर उनकी बहुत इज्जत थी। सर आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। मुझे पता है तुम नहीं सुधरने वाली, मेरी बातों का तुम पर कोई असर नहीं होने वाला। काश वो जो आए वो तुम्हें सबक सिखाए और तुम सही हो जाओ। सो स्टूडेंट मुझे बस इतना ही कहना था, आई होप आप नेक्स्ट टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करोगे। अब मैं चलता हूँ। अच्छा वो ये बोर्डिंग फीस निकल गए, अब न्यू प्रोफेसर आएंगे, पता नहीं कैसे होंगे। जिमी तू बता कैसा होगा। मैं क्या बताऊँ, एक और बुढ़ा आ जाएगा और क्या। अरे यार तू ऐसा क्यों सोचती है, पता नहीं वो हैंडसम हो और यंग भी हो। देख आजकल यंग टीचर बहुत निकल रहे हैं, काश वो यंग होता तो मजा आ जाएगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा। हाँ यार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं रोज कॉलेज आऊंगी और एक दिन भी मिस नहीं करूंगी। अब अगर तुम दोनों की बकवास खत्म हो गई है तो मुझे भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ कैंटीन। रुक रुक यार हम भी चल रहे हैं, हमें भूख लगी है। फिर तीनों कैंटीन जाती हैं और वहाँ पर लंच करती हैं। अरे यार मैं इतनी जल्दी आज सुबह आ गई हूँ, मैं कब से वेट कर रही हूँ कि न्यू प्रोफेसर आ जाएगा, फिर अभी तक आए ही नहीं। तुझे मेरी बात सुनाई भी दे रही है या फिर फोन में बिजी है। मेरी बात सुन और फोन रख साइड में। हाँ हाँ सुनाई दे रही है, मगर क्या करूँ तुम्हारी बकवास बातें सुनने से अच्छा मैं फोन ही चला लूँ। यार वो सही तो कह रही है, देख प्रोफेसर आने वाले हैं, अभी फोन रख दे। फाइन रख दिया, लेकिन एक मिनट तुम दोनों इतना एक्साइटेड क्यों हो। बिकॉज मैंने प्रिंसिपल सर की बात सुनी है, उन्होंने कहा था कि वो जो न्यू प्रोफेसर आने वाले हैं उनकी एज 27 इयर्स की है, और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने बहुत कम एज में सक्सेस हासिल कर ली है। तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ कि आखिर वो दिखते कैसे। जरूरी नहीं कि जो यंग हो वो हैंडसम भी दिखते हो, जरूर उसके बड़े बड़े दांत होंगे और चंगादड़ जैसी आंखें और जरूर लंगड़ा होगा और व्हील चेयर पे आएगा। लक तेरा हिलदार है, सुल्फा जद तेरी उड़दी है, चैन साड दिल दा नचदा है। तेरे नखरे ये सेंदा है, जे लक तेरा हिलदार है, सुल्फा जद तेरी उड़दी है, चैन साड दिल। और देखना वो बहुत ही अगली होगा। जिमी रहने दे ना, बाद में बात कर लेंगे। इन्हीं मैं बता रही हूँ ना, तुम लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो उस प्रोफेसर से मिलने के लिए। चल देख लेना, मैंने जैसा बताया ना वैसे दिखेगा। मैं जान सकता हूँ इतनी तारीफ तुम किसकी कर रही हो। अरे भाई भाई जो आने वाला न्यू प्रोफेसर उसके लिए ये दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, इसलिए मैंने समझा दी थी कि वो कैसा दिखता है। ये सब बातें जिमिन जंगकुक की तरफ बिना देखे ही बोल रही थी, बिकॉज अभी तक जिमिन ने जंगकुक को नहीं देखा था। जिमिन यार एक बार पीछे तो देखना। अरे क्या पीछे देखो लगा रही हो, ठीक है देख रही हूँ। फिर उसके बाद जिमिन पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि जंगकुक पीछे खड़ा हुआ होता है। वो उसे पैर से ऊपर तक देखती है, फिर बोलती है साथ मत दो, उसे समझाओ। लेकिन तुम जैसी फ्रेंड की वजह से ऐसी लड़कियां बिगड़ जाती हैं।
उसे समझाने के बजाय उसका साथ दे रही हो। चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाओ, वरना अगर तुम्हारा मन है तो यहाँ पर खड़ी हो सकती हो। नो सर, आई एम रियली सॉरी सर। लिसा, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती? इसमें तो इस प्रोफेसर की गलती है, इसे यहाँ आना नहीं चाहिए था। अभी भी तुम तमीज से बात नहीं कर रही हो, तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। इधर आ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? चुपचाप मेरा हाथ छोड़ दो। शायद आप चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। फिर जंगकुक जिमिन को प्रिंसिपल के कैबिन में ले जाता है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय। हाँ आर्मी, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो बताना, अभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगी। अगर नहीं पसंद आई है तो भी बता देना, तो फिर मैं स्टोरी खत्म कर दूंगी।